So, good evening, everybody. Welcome in the next lecture of the ancient history. Everybody should be fine at home. Corona भी अब धीरे धीरे वापस जाने की ओर है. सब लोग ठीक होंगे, आई होप, और सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी. नाउ दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम फॉर यू. लास्ट 3.5 months आपके लिए बचे हुए, आप लोग अच्छे से पूरे मन से पूरे मोटिवेशन से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है. ओके, लोगों को आ जाने देते हैं, फिर हम शुरू करते हैं. ओके, देखो, मेरी आप लोगों को एक एडवाइस है. सबसे पहली एडवाइस तो ये है कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो अपने, तो कुछ ना लूज पेपर्स अपने पास रखा करो. उन लूज पेपर्स में, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी में उन लूज पेपर्स में आपने आर्टिकल्स लिख लिए, ठीक है? आर्टिकल्स अलग से लिख लिए ना. पॉलिटी के नोट्स तो आप अलग बना रहे हो सीक्वेंस वाइज, कि पहले आपने फंडामेंटल राइट्स बनाए, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई, फिर पार्लियामेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे तो आप नोट्स अलग से बना ही रहे हो, वो तो पूरी अलग से आपकी पॉलिटी की नोट्स हो गए. लूज पेपर्स में आप क्या करो, पॉलिटी के आर्टिकल्स लिख लिए आपने, है ना, फलाना आर्टिकल इसलिए है, या शेड्यूल लिख लिए कि ये वाला शेड्यूल इसलिए है, या जैसे आपने हिस्ट्री के नोट्स बना लिए, हिस्ट्री में आपने लिख लिया कि ये इंडियन ओपिनियन अखबार गांधी जी का था, है ना, और दूसरा कोई अखबार हो गया कॉमनवेल, वो एनी बेसेंट का था. इस तरह से आपने अखबारों के नाम लिख लिए, या और भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो मैं आपको यहाँ पे लेक्चर में पॉइंट आउट करता हूँ, उनको आपने लिख लिया. जैसे आप आगे जाकर के एनवायरनमेंट के लिए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए. शॉर्ट नोट्स मतलब लूज नोट्स, एक शीट, एक पेज बना लो और उसमें वो सब चीज़ें लिख लो. जैसे एनवायरनमेंट में बहुत सारी रिपोर्ट्स होंगी, है ना, बहुत सारी रिपोर्ट्स की, ये वोटर रिपोर्ट और बहुत सारी रिपोर्ट्स उसमें होंगी, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ऐसी रिपोर्ट्स कौन निकालता है, जेंडर गैप इंडेक्स कौन निकालता है, और ये सब इंडेक्स रिपोर्ट्स ये सब कौन निकालता है, उस रिपोर्ट और रिपोर्ट के इंस्टीट्यूशन का नाम लिख लिया. तो इस तरह से कुछ 10-15 लूज शीट्स रखो. हर एक सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बार बार मगअप करनी पड़ती हैं, है ना, याद ही करनी पड़ती हैं उनको, याद ही करनी पड़ती है उनको, समझा नहीं जा सकता, उनको स्टोरी में नहीं डाला जा सकता. तो उसके लिए आप ना लूज नोट्स रखो अपने पेज, अलग से जो A4 साइज़ के पेज आते हैं उनकी थोड़ी शीट रखो और उसमें लिखते जाओ. जैसे जैसे, ऐसा नहीं कि बोल रहा कि एक साथ बैठ करके ढूंढो और पूरी एक नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं. आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, आपको जो चीज़ मिलती जा रही है इस टाइप की, आपने उस पेपर में जा करके लिख ली, या फिर आप अपने लैपटॉप में बना लो, फ़ोन में बना लो, पर इस तरीके के नोट्स बनाओ ताकि एंड टाइम रिविज़न पर आपको काम आएंगे, ठीक है? सो प्लीज़ फॉलो दिस काइंड ऑफ स्टडी. ऐसी थोड़ी प्लान स्टडी करो, अदरवाइज आपको कभी ऐसा होगा कि आपको याद आगे कि यार ये फलानी रिपोर्ट कौन निकालता है, फिर आप पूरे नोट्स पलट के देख रहे हो, तो उसमें आपको बहुत टाइम चला जाएगा. इस तरह से छोटे छोटे लूज नोट्स भी बनाने की और प्रैक्टिस करो, प्रीलिम्स के लिए बहुत काम आते हैं. ओके, गुड इवनिंग एवरीबडी. लोग आ चुके हैं और हमें काफ़ी लंबा लेक्चर आज निकालना है. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, वो ये है कि पिछले लेक्चर में आपको पता है कि हमारे पास हिंदी के नोट्स अवेलेबल नहीं थे, सो उस वजह से हमारा लेक्चर काफ़ी स्लो हो गया था, और इसलिए हमने बहुत, जितने मेरे एक्सपेक्टेशन थी उससे आधा भी कवर नहीं किया. तो हमारे पास कुल मिला के एक लेक्चर की शॉर्टेज हो गई, आप ये मान के चलो, है ना. लगभग मुझे 3 लेक्चर की जगह इस एंशियंट हिस्ट्री में 4 लेक्चर लग जाएंगे, और वो प्लान में आपके लिए शामिल है नहीं. तो या तो एक सैटरडे या फिर इस संडे को मैं आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा. सो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि जो कमिंग संडे आ रहा है, परसों, उस दिन इसी टाइम पे 7:30 से 9:30, क्योंकि इस संडे को टेस्ट नहीं है, तो इस संडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास एक रख ली जाए, 7:30 से 9:30, नहीं तो 9 मान लो, पर मुझे 1-1.5 घंटे की रिक्वायर, 1.5 घंटे की मान लो कम से कम रिक्वायरमेंट है, ताकि हम 3 लेक्चर्स में इसको पूरा कर पाएँ एंशियंट हिस्ट्री को. सो आई वॉन्ट कि सैटरडे को रखा जाए या संडे को रखा जाए. इस संडे को हमारा सी सेट का प्लान है, तो आप लोगों में से बताओ कि कौन ऐसे हैं जो सी सेट पढ़ना चाहते हैं और कौन ऐसे हैं जो एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं. सो प्लीज़ ग्रुप पे इस लेक्चर के बाद बताना, है ना, अभी नहीं बताना, इस लेक्चर के बाद अपने अपने मैसेज कर लेना, सी सेट पढ़ने वाले कितने लोग हैं, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने वाले कितने लोग हैं संडे को,
सी सेट तो हमारे प्लान में है ही, ठीक है, ये तो हमने एक्स्ट्रा आपको प्लान में दिया हुआ है। सी सेट 3 लेक्चर्स हमने सी सेट के रखे हुए हैं, एक हो चुका है और 2 बाकी हैं, तो एक परसों है। तो सी सेट पढ़ने वाली जनता है भी कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि लास्ट लेक्चर तो पब्लिक लेक्चर था, तो उसमें तो बहुत सारे लोगों का व्यू था, बहुत सारे लोगों ने देखा था, पर अपने ही कोर्स के या जिन लोगों ने, जो लोग डेली पढ़ते हैं, जो लोग रजिस्टर्ड हैं, उनमें से कितने लोग सी सेट पढ़ना चाहते हैं, कितने लोगों को सी सेट की रिक्वायरमेंट है, तो ये आप मुझे बताओ कि आपको सी सेट पढ़ना है कि एंशियंट हिस्ट्री का जो हमारा एक लेक्चर बच गया है वो पढ़ना है, ठीक है, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। अगर आप संडे को फिर आप कहोगे कि सर सी सेट ही पढ़ना है, तो फिर हम एंशियंट हिस्ट्री को, जो हमारा वेडनेसडे का लेक्चर होगा उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे फिर 1-1.5 घंटा, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताना लिख करके कि आपको संडे को एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है या सी सेट पढ़ना है, उस हिसाब से फिर हम प्लान करेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हमें इसमें लगेगा। सो दैट इज़ वन थिंग। अच्छा, एक और चीज़ हम सी सेट के लिए एक और चीज़ प्लान कर रहे हैं, मैं आपको अभी से बता दूँ, एक्चुअली लंबा प्लान है, बट जिन लोगों का सी सेट वीक है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, वो लोग हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स में तो अच्छे होते हैं पर थोड़ा मैथ्स में उनका हाथ इतना पक्का नहीं होता, तो उन लोगों के लिए हम एक प्लान कर रहे हैं कि आप जैसे 31 अगस्त को आप लोगों का ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हम लोग एक सी सेट का स्पेसिफिकली यही कोर्स चालू करेंगे, 7.5 से 2.5 घंटे का, डेली डेली 2 घंटे की प्रैक्टिस, ठीक है। वैसे भी अगर आपका सी सेट वीक है आपको लगता है, तो भी आपको 1 महीना 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये बात पक्की है। अगर आपका सी सेट वीक है, आप मैथ्स में वीक हो, तो आपको एग्ज़ाम के 1 महीना पहला 2 घंटे डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज सी सेट ही रुक जाएगा आपका। तो हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि वो जो 1 महीना है 1 सितंबर से 30 सितंबर, हम चाह रहे हैं कि वो प्रैक्टिस आप हमारे साथ करो, ओके। सो ऐसा भी हम लोग प्लान कर रहे हैं आगे आने वाले उस महीने में, ताकि हम लोग डेली एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लें और उसी टाइम पे हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएं, उसी टाइम पे आपकी प्रैक्टिस भी करवा दें, ठीक है, आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़े, उसी टाइम आप क्वेश्चन हम क्वेश्चन करना सिखाएं, कॉन्सेप्ट सिखाएं, फिर उसी टाइम आपको 10-15 क्वेश्चन सॉल्व भी करवा दें खुद से, और फिर उनके डाउट्स भी हम ले लें। तो इस तरह से हम 30 दिन का प्लान कर रहे हैं, 30 दिन में जो UPSC में जितने तरीके के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं मैथ्स में उसको हम कवर कर लेंगे, इस टाइप का हमारा प्लान है। तो इस टाइप पे भी, इसमें भी हम आपसे सजेशन मांगेंगे कि क्या है सही रहेगा, आप लोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, सो ऐसा भी हमारा प्लान है। सो ये 2 चीज़ें हो गई, एक तो ये सी सेट वाला कोर्स, ये बात की बात है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि संडे को आपको सी सेट करना है कि एंशियंट हिस्ट्री, प्लीज़ मुझे बताइएगा, ओके। सो ये है, अब हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कुछ एक सवाल ले लेता हूँ मैं पिछले लेक्चर से, आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। पहला सवाल तो यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी उसका टाइम पीरियड क्या है, किस ईस्वी पूर्व से किस ईस्वी पूर्व तक थी वो, थोड़ा आप मुझे टाइम पीरियड बताओ उसका, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैं 4 साइट्स लिखूंगा, है ना, उनमें से आपको बताना है कि कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की नहीं है। पहली हो गई बनावली, दूसरी हो गई रखनगढ़ी, तीसरी आपकी हो गई भगवानपुरा, और चौथी आपकी होगी सुरकाटोड़ा। आपको बताना है इनमें से कौन सी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। थर्ड आपको बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस धातु का प्रयोग होता था, किस धातु का प्रयोग देखा जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। 3 सवाल हैं मेरे, आप बताओ। और चौथा सवाल ये है कि कौन से 2 जानवर वैदिक काल में सबसे इम्पोर्टेंट है,
जल्दी से आप इस सवालों का जवाब दे दो तो फिर हम आज का लेक्चर शुरू करें। छब्बीस सौ से 1900 एकदम सही आंसर है। 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी के करीब, ईस्वी पूर्व है ना, BC। वेरी गुड। भगवानपुरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है, ये वैदिक काल की साइट है। ठीक है, अच्छी बात है। ब्रॉन्ज इज वेरी गुड। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का प्रयोग किया देखा जाता है। ठीक है, सही बात है। कांस्य का था, लोहे का नहीं था। वेरी गुड। हॉर्स एंड काउ, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। चलो अच्छा है, आप लोगों ने पढ़ा। नॉट ऑक्स एंड एलिफेंट नहीं बोलेंगे, वैदिक काल की बात चल रही है, वैदिक काल की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में यस बुल, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बुल इंपॉर्टेंट था, एलिफेंट भी था, बट वैदिक काल में जो सबसे दो महत्वपूर्ण जानवर हैं वो है गाय जिसके लिए लड़ाइयाँ होती थी और घोड़ा जिस पर लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल तक हमने खत्म कर लिया। अब हम आज उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड। हमने देखा कि 2000 ईस्वी के आसपास, 2000 BC के आसपास आर्यंस जो है वो इंडिया में इन्वेड किए थे और फिर उन्होंने यहाँ के इंडिजीनियस लोगों को और लड़ाई की थी, उनको यहाँ से भगाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो ही सिंधु घाटी सभ्यता का ह्रास हुआ वो आर्यंस के आने से ही हुआ। तो आर्यंस को हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी कुछ देखा कि कैसी उनकी सोसाइटी थी, कैसी उनकी इकोनॉमी थी, गाय पर बेस्ड इकोनॉमी थी, घोड़े पर वो लड़ाई किया करते थे, एग्रीकल्चर भी किया करते थे, पर मेनली वो घुमंतु टाइप के, घुमक्कड़ टाइप के लोग हुआ करते थे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ेगा उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, है ना। एक एक करके हम सारे चेंजेस देखेंगे और पहले से रिलेट करेंगे कि पहले क्या नहीं था और देखो धीरे धीरे वैदिक काल में क्या होता जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखें कि वैदिक काल का जो है एक्सपेंशन, ये आर्यंस जो थे, जो आर्य लोग थे, उन्होंने अपना एक्सपेंशन कैसे किया। तो हमने देखा कि जो पूर्व वैदिक काल था उसमें जो ग्रंथ था या उसका जो टेक्स्ट था वो ऋग्वेद था। ऋग्वेद से ही हमें वैदिक काल की और सारी जानकारियां मिली थी कि इंद्र उनके सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और वो नेचर को भी देवता की तरह मानते थे, या फिर उन्होंने नेचर को ही और आदमी बना करके उसकी पूजा करना शुरू कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें हमको ऋग्वेद से पता चलती है। ऋग्वेद के बाद तीन वेद और आए लेटर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में हम कह लें कि तीन वेद और आए। वो तीन वेद कौन कौन से थे, एक एक करके देखते हैं। तो ऋग्वेद में हमने देखा था कि ऋग्वेद में सिर्फ प्रार्थना ही थी, उनका पाठ कैसे किया जाता है या पाठ करते टाइम कौन से रिचुअल्स अनुष्ठान किए जाते हैं, ये सब ऋग्वेद में नहीं था। ठीक है, तो पाठ के उद्देश्य से ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को धुन दी गई थी और इस संशोधित संग्रह को सामवेद संहिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में तो सिर्फ प्रेयर्स लिखी गई थी, अब उन प्रेयर्स को किस धुन में गाना है, इसके साथ जो नया वेद आया वो सामवेद कहलाया। उसके बाद यजुर्वेद में केवल सूक्त ही नहीं थे बल्कि अनुष्ठान भी शामिल था और उनके जिसको पाठ के साथ करना होता था। आपको पता है ना, ऋग्वेद में अनुष्ठान नहीं था, ऋग्वेद में सिर्फ प्रार्थना ही लिखी हुई थी। अब कौन सी प्रार्थना के टाइम कौन सा अनुष्ठान करना है, ये सब की बात किस में लिखी हुई थी, यजुर्वेद में लिखी हुई थी।
तो ऋग्वेद के बाद एक पहला वेद आया सामवेद, फिर आया यजुर्वेद, और ये वेद कौन से काल में आए? उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद अथर्ववेद में बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए मंत्र है। तो तीसरा वेद आया अथर्ववेद। ऋग्वेद के बाद ये तीन वेद आए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद में तो था कि प्रार्थनाओं को किस धुन में गाना है, यजुर्वेद में था कि प्रार्थना जो लिखी हुई है उसको करते टाइम कौन से अनुष्ठान करने हैं, और अथर्ववेद में था कि अथर्ववेद में बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए तंत्र मंत्र आदि भी थे। तो अथर्ववेद की जो सामग्री है, अथर्ववेद में जो लिखा हुआ है, वो गैर आर्यों की मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रकाश डालती है ना। अथर्ववेद में गैर आर्यों के बारे में भी लिखा हुआ है कि जो आर्य नहीं है, जो नॉन आर्यंस हैं, उनको कौन कौन सी प्रथाएं फॉलो करनी पड़ती हैं, वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी बाद के वैदिक ग्रंथ हैं, और ये 1000 से 500 ईस्वी पूर्व में आया। आपको पता बता दूं मैं कि 2000 में आर्यंस आए थे, और 2000 से 1000 के बीच में हम मानते हैं कि पूर्व वैदिक काल था। वैदिक काल को दो भागों में बांटा, पूर्व का वैदिक काल और उत्तर का वैदिक काल। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड एंड अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड तो हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये हम पढ़ रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड। इस लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड मानेंगे हम 1000 से 500 BC। ठीक है, और इसकी जगह मानेंगे गंगा बेसिन का ऊपरी भाग। ठीक है, जो गंगा बहती है हमारी, उस गंगा बेसिन का ऊपरी भाग, आप यूपी वगैरह, यूपी बिहार ये वाला एरिया मान लो। ठीक है, बिहार तो खैर बाद में आएगा, वैदिक काल के बाद जब जैनिज्म और बुद्धिज्म आएगा उसमें बिहार की इंपॉर्टेंस होगी। आर्यंस जो है वो बिहार तक नहीं पहुंचे थे। आपको पता ना आर्यंस कहाँ से आए थे? ये जैसे हमारा इंडिया है, आर्यंस इधर से आए थे, वेस्ट से, है ना, सेंट्रल एशिया से। और फिर ये पहले इंडस वाले एरिया में आए, फिर पंजाब और ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, है ना। ये गंगा यमुना दुआब वाला पार्ट था, जहाँ पे गंगा और यमुना एक साथ बहती हैं, वो वाला पार्ट था। ये अभी तक बिहार में नहीं पहुंचे हैं आर्यंस। ठीक है, तो गंगा बेसिन में यूपी वाले में हैं, और वहीं पर इन दो वेदों को, इन तीन वेदों को संकलित भी किया गया था। अब आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम कह सकते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, ना, BRW। ये जो वैदिक पीरियड है, और खास करके लेटर वैदिक पीरियड, इसको हम पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से भी जानते हैं। वही कारण है इसका, क्योंकि इस टाइम के ज्यादातर बर्तन जो थे वो पेंटेड ग्रे वेयर थे, है ना, चित्रित ग्रे कलर के, और उनके बर्तन हुआ करते थे मिट्टी के। तो इसलिए ज्यादातर बर्तन इसी टाइप के मिल रहे हैं, इसलिए उस पूरे टाइम पीरियड को और उस जगह को, कौन सी जगह, पंजाब और वेस्टर्न यूपी वाली जगह, वो जगह और वो वाला टाइम पीरियड 1000 से 500 BC वाला, या आप कह लो 1500 से 500 BC वाला जो टाइम पीरियड है, और पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा राजस्थान और ये सब का पार्ट मिला करके, हम उस जगह को और उस टाइम पीरियड को पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जानते हैं, PGW। सो पंजाब से लेकर गंगा यमुना दोआब से आच्छादित पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक आर्यों का विस्तार हुआ। देखो, पंजाब से लेकर गंगा यमुना दोआब से आच्छादित पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश तक आर्यों का विस्तार हुआ। इन्हें पेंटेड ग्रे वेयर PGW साइट कहा जाता है, क्योंकि इनमें ऐसे लोग रहते थे जो मिट्टी के कटोरे और चित्रित ग्रे मिट्टी के बर्तनों से बने व्यंजनों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, कौरवों ने दिल्ली और दोआब के ऊपरी हिस्से कुरुक्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब कौरव कौन थे? कुरु। कुरु कौन थे? आपको पता है कि वैदिक, जो वैदिक काल में जो लोग थे वो कबीलों में रहा करते थे ना, सब ट्राइब्स हुआ करती थी, जनजातियां हुआ करती थी, आदिवासी लोग होते थे एक तरह से, तो सबके अलग अलग कबीले थे। तो ये कुरु नाम का एक अलग कबीला था ना, पांचाल नाम का अलग कबीला था, और इस तरह से अलग अलग कबीले हुआ करते थे। तो ये कौरव जो थे, ये सबसे मेन उस टाइम पे कबीला हुआ करता था, मेन जनजाति हुआ करती थी कौरव। और कौरवों ने दिल्ली और दोआब के ऊपरी हिस्से कुरुक्षेत्र पर कब्जा कर लिया। आप ये मानो, ये भारत है और यहाँ पे कहीं ऐसे गंगा बहती है, तो ये दिल्ली है, तो इस वाले जगह पर आप मान लो कौरव थे, है ना, यहाँ पे कौरव थे, यहीं पर कुरुक्षेत्र भी है। कौरव जो थे वो कुरु वंश के थे, और उन्हीं के नाम पे कुरुक्षेत्र पड़ा, तो यहीं पर कुरुक्षेत्र यहीं पर था। ठीक है, ये मान लो, अब ये जो लेटर वैदिक पीरियड है, इसी में कौरव थे, फिर इसी में पांडव थे, और इसी में महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो महाभारत की लड़ाई का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो यही बनता है 1000 से 500 BC वाला, एक्चुअली 950 BC, यहाँ देखा भी जाएंगे अपन। महाभारत वॉर इज सपोज टू हैव बीन फोट अराउंड 950 BC। महाभारत का युद्ध लगभग 950 ईसा पूर्व लड़ा गया माना जाता है।
ओके सो ये कुरु वंश जो था उस समय सबसे इम्पोर्टेंट आर्यंस की सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब थी, सबसे इम्पोर्टेंट कबीला था, और धीरे धीरे ये जो कुरु थे, ये कौरव जो थे, धीरे धीरे पांचाल नामक लोगों के साथ जुड़ गए, है ना। पांचाल आपने अगर महाभारत पढ़ी हो या देखी हो तो आपको पता होगा कि एक तो कुरु वंश था और एक पांचाल भी था जहाँ से द्रौपदी आई थी। तो वो पांचाल जो थे उनके साथ कुरु और पांचाल आपस में जुड़ गए और फिर इन्होंने हस्तिनापुर में अपनी राजधानी की स्थापना करी। अब देखेंगे हम लेटर वैदिक इकोनॉमी कैसी थी, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी रही। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये आपको मैं बता दूं कि लोहे का उपयोग उस समय होने लग गया था। लोहा बहुत इंपॉर्टेंट धातु हो गई थी बाद में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोहा नहीं था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रोंज था, कांसा था। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जब आर्यन आए तो उनको लोहे के बारे में पता चला। धीरे सबसे पहले तो उन्होंने भी लोहे की जगह सबसे पहले तो उन्होंने भी स्टोन पत्थर के बर्तनों का या पत्थर के औजारों का उपयोग किया, पर धीरे धीरे वो लोहे की तरफ बढ़े और लोहे का उपयोग बहुत ज़्यादा हावी हो गया, लोहा बहुत ज़्यादा यूज में आने लग गया। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व लोहे का उपयोग पूरी पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिखाई दिया। ये वही आपका NBPW वाला पार्ट है, पूर्वी पंजाब, ईस्ट पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा ऊपरी मध्य प्रदेश और ईस्टर्न राजस्थान, यही वाला पार्ट आपका NBPW है। और लेटर वैदिक काल में इस NBPW पीरियड में लोहे का बहुत उपयोग देखा गया। बाद के वैदिक ग्रंथों में या उत्तर वैदिक ग्रंथों में इसी धातु को श्यामा या कृष्ण अयस्क कहा जाता है। द मेटल इट्सेल्फ, कौन सा मेटल, आयरन, इज कॉल्ड श्यामा और कृष्णा अयस्क इन द लेटर वैदिक टेक्स्ट। एग्रीकल्चर वॉज द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द लेटर वैदिक पीपल। अब देखो कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है। जो पूर्व का वैदिक काल था, जो इसके पहले का वैदिक काल था, द अर्ली वैदिक पीरियड, उसमें एग्रीकल्चर सेकेंडरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड था। प्राइमरी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था, पेस्टोरलिज्म, है ना, घुमक्कड़ प्रजाति के लोग, जानवर पालना, उनको घुमाना, ये था। पर जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या हो चुका है, एग्रीकल्चर हो चुका है। और एग्रीकल्चर आएगा तो क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा, टाउन्स बनेंगे। तो एग्रीकल्चर वॉज द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। द शतपथ ब्राह्मणा स्पीक्स एट लेंथ अबाउट द प्लोइंग रिचुअल, है ना। बाद के वैदिक का लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। शतपथ ब्राह्मण उस समय का एक ग्रंथ था, उस समय की किताब थी शतपथ ब्राह्मण। उसने जुताई के अनुष्ठानों के बारे में विस्तार से बताया है। कृषि और विभिन्न शिल्पों ने बाद के वैदिक लोगों को एक व्यवस्थित जीवन जीने में सक्षम किया, है ना। ये आप जान लो कि जब कृषि धीरे धीरे जब अच्छी मैच्योर हो जाती है तो फिर लोगों का जीवन भी व्यवस्थित हो जाता है, अदरवाइज घुमंतू जीवन ही रहता है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों का जीवन व्यवस्थित नहीं था, वो घुमंतू टाइप के लोग थे, और बाद के वैदिक पीरियड में लोगों का जीवन थोड़ा व्यवस्थित होने लगा। वैदिक लोगों ने जौ का उत्पादन तो जारी रखा, जौ का उत्पादन तो पहले भी जारी था, लेकिन इस अवधि के दौरान चावल और गेहूं उनकी मुख्य फसल बन गए। वैदिक ग्रंथों में चावल को व्रीहि कहा गया है ना। अब देखो मैं आपसे बोल रहा था ना कि आप अलग से लूज नोट्स बना लो, तो वो अलग से लूज नोट्स में इसीलिए बनाने के लिए बोल रहा था क्योंकि ये एंशियंट हिस्ट्री और जो मिडाइवल हिस्ट्री आएगी उसमें ऐसे वर्ड्स काफ़ी आजकल यूपीएससी पूछता है कि व्रीहि किसको कहते हैं। जैसे पिछले साल पूछा था कि हुंडी क्या चीज़ थी, उसी तरह ये व्रीहि क्या चीज़ थी ऐसा पूछ लिया। मान लो कि वैदिक काल में व्रीहि क्या था, इतना सा सवाल पूछ लिया। अब जिसको पता है वो तो लगा देगा, उसके लिए तो क्वेश्चन ईजी हो गया, जिसको नहीं पता उसके लिए क्वेश्चन टफ हो गया। तो उसमें आप लूज नोट्स बना लो कि जब मैं बोलूँ कि ये चीज़ ये कही जाती थी उस समय, ये चीज़ ये कही जाती थी उस समय, उसके लिए आप एक शीट बना लो और उसमें लिखते चलना। बहुत सारी चीज़ें आएंगी ऐसी, तो समय समय पर उसको लिखते चलना। तो वैदिक ग्रंथों में चावल को क्या कहा गया, व्रीहि कहा गया। तांबा वैदिक लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातुओं में से एक था, है ना। सबसे पहले चैल्कोलिथिक पीरियड था ये, आपको अगर बताऊं मैं, दिस इज चैल्कोलिथिक पीरियड, ताम्रपाषाण युग, जब वैदिक काल शुरू शुरू हुआ था, अर्ली वैदिक पीरियड।
उस समय का जो युग था वो ताम्र पाषाण युग था, चालकोलिथिक पीरियड। तो इसमें तांबे का यूज होता था, फिर धीरे धीरे लोहे का यूज ज्यादा होने लग गया। तांबा वैदिक लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातुओं में से एक था। पेंटेड ग्रे वेयर साइटों में तांबे की वस्तुएं मिली हैं, वे मुख्य रूप से युद्ध और शिकार के लिए और गहनों के लिए उपयोग किए जाते थे। अब देखें कि लेटर वैदिक पीरियड का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। बाद के वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल इसको बोल लो, बाद का वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद की लोकप्रिय सभाओं का महत्व कम हो गया और उनकी कीमत पर शाही शक्ति में वृद्धि हुई। इन लेटर वैदिक पीरियड्स ऋग्वेदिक पॉपुलर असेंबलीज लॉस्ट इम्पोर्टेंस एंड रॉयल पावर इंक्रीज्ड एट देयर कॉस्ट। आपको पता है ऋग्वेदिक काल में पॉपुलर असेंबलीज को किस किस नामों से जाना जाता था? मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक पीरियड जो था उस समय राजा नहीं हुआ करता था, मतलब ऐसा कोई किंगडम नहीं हुआ करता था कि जिसका कोई राजा हो उस पूरे किंगडम को राजा चलाता हो। अर्ली वैदिक पीरियड में कबीले हुआ करते थे और उन कबीले के चीफ को ही राजन कहा करते थे, और उस कबीले को संभालने के लिए या उस राजन को क्या डिसीजन लेने चाहिए क्या डिसीजन नहीं लेने चाहिए उसके लिए भी एक असेंबलीज हुआ करती थी। वो बताती थी उस राजन को कि तुम ऐसा डिसीजन लो या तुम ऐसा काम करो, ऐसा मत करो। तो उस समय अर्ली वैदिक पीरियड में पॉपुलर असेंबलीज हुआ करती थी, है ना, जिसमें कबीले के लोग ही हुआ करते थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी इम्पोर्टेंस खत्म हो गई और अब रॉयल पावर में ही वृद्धि हुई। ठीक है, अब राजा प्रमुख हो गया। पहले क्या हुआ करता था कि राजा हुआ करता था, कबीले का चीफ राजा हो गया उसको बताने के लिए, और असेंबली हुआ करती थी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा तो लेटर वैदिक पीरियड में ये असेंबलीज की इंपॉर्टेंस तो खत्म हो गई और ये जो राजा था यही ज्यादा शक्तिशाली हो गया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उस समय जो पॉपुलर असेंबलीज हुआ करती थी पूर्व के वैदिक काल में, उनके क्या नाम हुआ करते थे? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, बता दो। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे डाउट नीचे देखने को मिला है। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ। रोज टोपो, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। क्या अभी भी आपको स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? यस, आंसर प्रीति ने एकदम सही दिया है कि जो पूर्व के वैदिक काल की पॉपुलर असेंबलीज थी उनको हम सभा, समिति, और यही दो मेन थी, और उसके अलावा बहुत सारी थी, विदत, गण, इस तरीके के उनके नाम हुआ करते थे। इनकी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होने लग गई और राजा की इम्पोर्टेंस ही बढ़ने लग गई। ठीक है, आपको पता है कि महिलाओं को पहले सभा में बैठने की अनुमति हुआ करती थी, अभी सभा की खुद की इम्पोर्टेंस कम हो गई और इसमें भी महिलाओं को अब सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं की भी अब धीरे धीरे जो स्थिति खराब होने लगेगी। सभाओं में सिर्फ रईसों और ब्राह्मणों का ही प्रभुत्व रह गया था। बड़े राज्यों के गठन ने प्रमुख या राजा को और अधिक शक्तिशाली बना दिया था। जैसे जैसे राज्यों, जैसे जैसे एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर आने से स्टेबिलिटी आई, स्टेबिलिटी आने से और राज्य बने, है ना, पहले राज्य नहीं कबीले हुआ करते थे, धीरे धीरे राज्य बनने लगे। और उस जब राज्य का गठन होता है तो फिर राजा प्रमुख हो जाता है ना। बड़े राज्यों का गठन हुआ और उसने राजा को और शक्तिशाली बना दिया। राष्ट्र शब्द इसी उत्तर वैदिक काल में लेटर वैदिक पीरियड में देखने को मिलता है। द टर्म राष्ट्र विच इंडिकेट्स टेरिटरी फर्स्ट अपीयर्स इन दिस पीरियड। राष्ट्र शब्द जो क्षेत्र को इंगित करता है या राज्य को इंगित करता है सबसे पहले इसी अवधि में प्रकट हुआ। क्या स्क्रीन तो दिख रही है? मैंने भी और जगह पे, मैंने भी अपने फ़ोन पे ये खोला हुआ है, ये चल रहा है मेरे फ़ोन पे, तो उसमें तो स्क्रीन नज़र आ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि फ्रंट पेज ही नज़र आ रहा हो सकता है कि आपको सिर्फ वीडियो ही, वीडियो आपका क्लियर नहीं आ रहा हो, आपको सिर्फ ऑडियो ही सुनाई दे रहा हो और आपको सिर्फ फ्रंट पेज ही दिखाई दे रहा हो। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग,
बट मेरे को जब मेरे फ़ोन में मैंने खोला हुआ वीडियो, उसमें तो स्क्रीन नज़र आ रही है, पूरे नोट्स क्लियर नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ चेक करो क्या दिक्कत है। प्रमुख या राजा के चुनाव के संकेत बाद के वैदिक ग्रंथों में दिखाई देते हैं, है ना। राजा का चुनाव भी हुआ करता था, राजा हेरिडेटरी भी हुआ करता था, राजा के चुनाव के संकेत भी वैदिक ग्रंथों में दिखाई दिए हैं। ऐसा नहीं है कि राजा हर जगह हेरिडेटरी होगा, कि राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं जगह राजा का चुनाव भी होता था, ऐसे संकेत वैदिक ग्रंथों में दिखाई दिए हैं। अनुष्ठानों से राजा का प्रभाव प्रबल होता था। अब देखो, उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठान भी होने लगे, जिससे राजा का प्रभाव प्रबल होता था। राजा अपने प्रभाव को जमाने के लिए, कि मैं हूँ इम्पोर्टेंट, उसको जमाने के लिए और कुछ अनुष्ठान करता था। जैसे अनुष्ठान कौन से इम्पोर्टेंट, जैसे राजसूय यज्ञ उन्होंने कर दिया, तो राजाओं ने राजसूय यज्ञ किया, जो सर्वोच्च शक्ति प्रदान करने वाला था। ही परफॉर्म द राजसूय सेक्रीफाइस विच वॉज सपोज टू कन्फर सुप्रीम पावर। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया राजाओं ने। ये यज्ञ ये सब क्यों किया करते थे ये लोग यज्ञ, ताकि उनका जनता पर प्रभाव पड़े। अश्वमेध यज्ञ देखो क्या करता था, आपको पता है अश्वमेध यज्ञ, पता होगा कि रॉयल हॉर्स जो होता था उसको खुला छोड़ दिया जाता था, और फिर बोला जाता था कि हॉर्स जहाँ तक जाएगा उतनी टेरिटरी मेरी है। तो अपनी इस शक्ति को दिखाने के लिए और अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। तो उन्होंने अश्वमेध का प्रदर्शन किया, जिसका अर्थ क्या था, उस क्षेत्र पर निर्विवाद नियंत्रण, जिसमें शाही घोड़ा निर्वाध रूप से दौड़ता था। ही परफॉर्म द अश्वमेधा विच मेंट अनक्वेश्चन्ड कंट्रोल ओवर एन एरिया इन विच द रॉयल हॉर्स रैन अनइंटरप्टेड। उन्होंने वाजपेयी यज्ञ भी किया। क्या होता था वाजपेयी, ये भी एक तरह से रथ दौड़ हुआ करती थी, है ना, चैरियट भगाया करते थे इसमें, जिसमें शाही रथ अपने रिश्तेदारों के खिलाफ दौड़ जीतने के लिए दौड़ाया जाता था। इन सभी अनुष्ठानों ने राजा की बढ़ती शक्ति और प्रतिष्ठा से लोगों को प्रभावित किया। इस अवधि, अब देखो अगली इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, इस अवधि के दौरान कर और शुल्क का संग्रह आम हो गया था। आपको मैंने बताया कि पूर्व के वैदिक काल में टैक्स नहीं लगता था, बल्कि बलि दी जाती थी। बलि का मतलब समझते हो, कि लोग आके और राजा को वॉलेंटरीली स्वेच्छा से ऑफरिंग कर देते थे कि आप हमारी तरफ से ये ले लो, टैक्स नहीं हुआ करता था। पर इस दौरान लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स चालू हो गया, ये नई चीज हुई, ध्यान रखना। लेटर वैदिक पीरियड में टैक्स लगने लग गया था। टैक्स कौन लगाता था, तो टैक्स लगाते थे संग्रहीति नामक एक अधिकारी, जो अधिकारी टैक्स लगाता था एग्रीकल्चर पे या जमीन पे, उसको संग्रहीति बोलते थे। तो इस अवधि के दौरान कर और शुल्क का संग्रह आम हो गया, वे शायद संग्रहीति नामक एक अधिकारी के पास जमा किए गए थे। लेकिन बाद के वैदिक काल में भी राजा के पास एक स्थायी सेना नहीं थी। हमने देखा कि पूर्व के वैदिक काल में भी भले ही आर्यंस जो थे, आर्य जो थे, वो लड़ाई किया करते थे, पर उनकी एक स्थायी सेना नहीं होती थी। और उत्तर वैदिक काल में भी स्थायी सेना नहीं देखी गई। स्थायी सेना देखी गई मौर्यंस के टाइम में, जब मौर्य आएंगे, या मौर्य से पहले जब महाजनपद आएंगी, मौर्य से पहले महाजनपद भी आएगी, देखेंगे हम, तो उसमें स्थायी सेना होने लगेगी। अभी तक उत्तर वैदिक काल तक स्थायी सेना नहीं थी, पर कर और शुल्क का संग्रह आम हो गया। और ये कर और शुल्क का संग्रह कौन करता था, संग्रहीति नामक अधिकारी। जो अधिकारी ऐसा भी पूछ सकता है यूपीएससी कि संग्रहीति से आपका क्या मतलब है, भारत के प्राचीन इतिहास में संग्रहीति शब्द से आपका क्या मतलब है, तो संग्रहीति वो अधिकारी था जिसके पास उत्तर वैदिक काल में कर और शुल्क का संग्रह किया जाता था। ठीक है, हम देखेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन से सोशल ऑर्गेनाइजेशन बने। द लेटर वैदिक सोसाइटी केम टू बी डिवाइडेड इनटू फोर वर्णास। बाद के वैदिक समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया। चार वर्ण आप जानते ही हो, ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने आपको बताया था जब पूर्व का वैदिक काल था उसमें मेनली तीन ही वर्ण थे, शूद्र का वर्ण बाद में ऐड किया गया था। तो लेटर वैदिक पीरियड में ये चार वर्ण आ गए थे। यज्ञों के बढ़ते हुए प्रभाव ने, क्योंकि यज्ञों का प्रभाव बढ़ने लगा था, तो उस यज्ञों के बढ़ते हुए प्रभाव ने ब्राह्मणों की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि करी। धीरे धीरे ब्राह्मण जो है सबसे इम्पोर्टेंट कास्ट हो जाएगी। तो क्यों, क्योंकि यज्ञों का प्रभाव बहुत था उस समय। हर चीज़ में यज्ञ कर लो, हर एक पूजा पाठ अनुष्ठान सब यज्ञ के साथ हुआ करते थे, और यज्ञ कौन करवाता था, ब्राह्मण करवाते थे। ये तो यज्ञों के प्रभाव ने ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि की।
तीन उच्च वर्णों ने एक विशेषता साझा की कि वे उपनयन अर्थात वैदिक मंत्रों के साथ पवित्र धागे का अलंकरण के हकदार थे। ना ऑल द थ्री हायर वर्णा शेयर्ड वन कॉमन फीचर, दे वर एंटाइटल्ड टू उपनयना। है ना, तीन वर्ण जो थे ऊपर के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनमें उपनयन हुआ करता था। उपनयन मतलब जो जनेऊ पहनते हैं, दैट इज उपनयन। तो उपनयन हुआ करता था, शूद्रों में उपनयन मनाई थी। चौथा वर्ण उपनयन समारोह और गायत्री मंत्र के पाठ से वंचित था, और इसके साथ ही शूद्रों पर अयोग्यता को थोपना शुरू हो गया। ठीक है, धीरे धीरे शूद्रों में ये चीज़ मना हो जाएगी, फिर वो चीज़ मना हो जाएगी, शूद्र ये नहीं कर पाएंगे, शूद्र ये नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे शूद्रों में अयोग्यताओं को थोपा जाने लगेगा। सबसे पहली अयोग्यता जो शूद्रों में थोपी गई वो ये थी कि उनको उपनयन संस्कार नहीं करने दिया जाता था, और गायत्री मंत्र के पाठ से भी उनको वंचित रखा जाता था। एक और ग्रंथ देखें हम, ऐतेरे ब्राह्मण, उत्तर वैदिक काल का एक ग्रंथ है, ऐतेरे ब्राह्मण। ठीक है, इट इज अ टेक्स्ट ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। इस ग्रंथ में शूद्र को दूसरे का दास कहा गया है, जिससे दूसरे की इच्छा से काम कराया जाता है और इच्छा से पीटा जाता है। महिलाओं को आमतौर पर निम्न स्थान दिया जाता था। कुल मिला के लेटर वैदिक पीरियड में भले ही स्टेबिलिटी आने लगी हो, पर वो जो स्टेबिलिटी थी वो कई लोगों के लिए खतरनाक साबित हुई। महिलाओं का स्थान नीचा हुआ, शूद्र लोगों का, शूद्र प्रजाति का, आप यूँ कह लो कि लोगों को शूद्र कहा जाने लगा। एक और वर्ण ऐड हुआ, शूद्र नामक वर्ण। तो यद्यपि कुछ महिला धर्मशास्त्रियों ने दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया और कुछ रानियों ने राज्याभिषेक अनुष्ठानों में भाग लिया, आमतौर पर महिलाओं को पुरुषों से हीन और अधीनस्थ ही माना जाता था। ऑल दो सम विमेन थियोलॉजियंस टुक पार्ट इन फिलोसफिक डिस्कशंस एंड सम क्वींस पार्टिसिपेटेड इन कोरोनेशन रिचुअल्स, ऑर्डिनरीली विमेन वर थॉट टू बी इन्फीरियर एंड सबॉर्डिनेट टू मैन। अब एक नई चीज और दिखाई दी उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में गोत्र भी आ गई। गोत्र की संस्था उत्तर वैदिक काल में दिखाई दी। गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या था? वह स्थान जहां पूरे कबीले के मवेशी रखे जाते हैं, लेकिन कालांतर में यह एक ही पूर्वज के वंश का प्रतीक बन गई। देखो, गोत्र जो था, गोत्र इंपॉर्टेंट होने लग गया उत्तर वैदिक काल में। गोत्र का मतलब तो यह हुआ करता था कि जहां पर पूरे कबीले के मवेशी रखे जाते हैं। गोत्र जो है ना, गो शब्द से बना है, और गो मतलब होता है गाय। तो गोत्र जो है उसका मतलब होता था कि जहां पूरे कबीले के मवेशी एक जगह रखे जाते हैं, उस जगह को हम गोत्र बोला करते थे। पर धीरे धीरे ये गोत्र शब्द का अर्थ होने लग गया वे लोग जो एक ही पूर्वज की संतान है, एक ही पूर्वज के वंश हैं, उनको क्या कहा जाने लगा? गोत्र कहा जाने लगा। और लोग गोत्र बहिर्विवाह का अभ्यास करने लगे। फिर लोग, गोत्र का मतलब क्या हो गया? जो एक ही पूर्वज की संतानें हैं वो सब एक ही गोत्र के हैं, और एक ही गोत्र में शादियां नहीं होंगी, गोत्र के बाहर शादी होगी, इसका अभ्यास लोग करने लगे। हमने देखा था कि पूर्व के वैदिक काल में ही शादियां तो आ गई थी, मैरिज जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड में आ चुकी थी, ये और गोत्र आई थी लेटर वैदिक पीरियड में। तो लोग जो है गोत्र के बाहर विवाह का अभ्यास करने लगे, गोत्रों में विवाह नहीं करेंगे, ऐसा उनका मानना था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में हम चार आश्रमों के बारे में भी सुनते हैं। लेटर वैदिक पीरियड्स में चार आश्रम भी आ गए थे। इन द पोस्ट वैदिक टेक्स्ट वी हियर ऑफ फोर आश्रम्स, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और साधु। ये चार आश्रम होते हैं। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि शुरू के 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर बाद के 25 साल गृहस्थ, फिर बाद के 25 साल वानप्रस्थ, और फिर लास्ट के 25 साल साधु संन्यासी बन के जीवन यापन किया जाता है। केवल पहले तीन का उल्लेख ही बाद के वैदिक ग्रंथों में किया गया है। ये पोस्ट वैदिक टेक्स्ट है भाई, नाम में भले ही उत्तर वैदिक आ रहा हो, पोस्ट वैदिक टेक्स्ट मतलब जब वैदिक काल खत्म हो गया था तो उसके बाद चार आश्रमों का विवेचन हमें मिलता है। पर अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें या लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो उसमें सिर्फ तीन ही आश्रमों का उल्लेख मिलता है, संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता। लिखा हुआ है साफ, केवल पहले तीन का उल्लेख ही बाद के वैदिक ग्रंथों में किया गया। गॉड्स, रिचुअल्स एंड फिलॉसफी, देखते हैं कि हम कौन से गॉड्स, रिचुअल्स और फिलॉसफी
लेटर वैदिक पीरियड में फॉलो की जाती थी। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा सबसे इम्पोर्टेंट गॉड इंद्र थे, उनके अलावा अग्नि, वरुण ये सब देवता भी उस समय पूजनीय थे। पर बाद के वैदिक पीरियड में इंद्र और अग्नि की इम्पोर्टेंस कम हो गई। ऋग्वैदिक देवताओं, ऋग्वेदा में सबसे इम्पोर्टेंट देवता कौन थे? इंद्र और अग्नि। तो ऋग्वैदिक देवताओं इंद्र और अग्नि ने अपना पूर्व का महत्व खो दिया और सबसे इम्पोर्टेंट देवता हो गए प्रजापति, प्रजापति निर्माता। उत्तर वैदिक देवताओं में सर्वोच्च स्थान पर आ गए, प्रजापति ही ब्रह्मा बाद में कहलाए। ठीक है, द टू आउटस्टैंडिंग ऋग्वैदिक गॉड्स इंद्र और अग्नि लॉस्ट देयर फॉर्मर इम्पोर्टेंस। प्रजापति द क्रिएटर कम टू ऑक्यूपाई द सुप्रीम पोजिशन इन द लेटर वैदिक पैंथियन। ऋग्वैदिक काल के कुछ अन्य लघु देवता भी आ गया है। ऋग्वैदिक काल में वे देवता जो छोटे मोटे माने जाते थे, वे देवता अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे रुद्र। जानवरों के देवता रुद्र बाद के वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए। इसके अलावा कुछ वस्तुओं को देवत्व के प्रतीक के रूप में पूजा जाने लगा और बाद के वैदिक काल में मूर्ति पूजा के लक्षण भी दिखाई देते हैं। पहले मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी साहब, पर जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो कुछ वस्तुओं को देवत्व के प्रतीक के रूप में, है ना, पहले देवता मान करके, जैसे रेन बरसात के देवता इंद्र, और उसको मान करके पूजा कर ली जाती थी। अब इंद्र की किसी वस्तु में स्थापना करके उस वस्तु की पूजा करने की जाने लगी और फिर उस वस्तु को धीरे धीरे आइडल बना दिया, मूर्ति का आकार दे दिया गया और फिर मूर्ति पूजा धीरे धीरे चालू हो गई। तो बाद के वैदिक काल में मूर्ति पूजा के लक्षण भी दिखाई देते हैं, पहले मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। कुछ कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं, इसलिए आपको याद हो तो अपने जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने कहा था कि वेदों में मूर्ति पूजा का निषेध है, तो राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे। कुछ कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं के अपने देवता भी थे, ये तो मेन देवता मैंने आपको बता ही दिए, पर अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाओं में अलग अलग देवता भी हुआ करते थे। जैसे पूषण, जो मवेशियों की देखभाल करने वाला था, वो शूद्रों का देवता था, शूद्र पूषण की पूजा किया करते थे। कुर्बानी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। ठीक है, पहले ऋग्वेदा में भी कुर्बानी, या आप कह लो बलि जिसको हम कहते हैं, जो जानवर को भगवान के सामने जो बलि दी जाती है, देवता के सामने जो बलि दी जाती है, उस कुर्बानी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो कुर्बानी अब धीरे धीरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लग गई। अतिथि को गोघना, अतिथि जो जब बलि दी जाती थी, जैसे कोई यजमान है, कोई यजमान है जो यज्ञ करवा रहा है, तो उस यज्ञ करवाने वाले को तो कहते थे यजमान, और उस यज्ञ में जो अतिथियों को बुलाया जाता था और फिर जिनको वो कटा हुआ जानवर खिलाया जाता था, मवेशी जिनको खिलाए जाते थे, उनको गोघना कहा जाता था। ठीक है, द गेस्ट वॉज नोन एज गोघना, और वन हु वॉज फेड ऑन केटल एंड द सेक्रीफाइजर वॉज नोन एज द यजमान, द परफॉर्मर ऑफ यज्ञ। कभी कभी पुजारियों ने क्षेत्र के कुछ हिस्सों का दक्षिणा रूप में दावा किया, लेकिन बलि शुल्क के रूप में भूमि का अनुदान उत्तर वैदिक काल में अच्छी तरह से स्थापित नहीं था। ये बात आप समझ लो कि पुजारी जो आते थे, पुजारी क्या करवाने आते थे, यज्ञ करवाने आते थे, वो दक्षिणा के रूप में कुछ टेरिटरी मांग लिया करते थे। समटाइम्स द प्रीस्ट क्लेम्ड पोर्शंस ऑफ टेरिटरी एज दक्षिणा। ठीक है, प्रिस्ट यज्ञ करवाने आए और उन्होंने शुल्क के रूप में मांग लिया कि मुझे ये थोड़ा सा राज्य दे दो आपका। ठीक है, ऐसा मांग लिया करते थे, लेकिन बलि शुल्क के रूप में भूमि का अनुदान उत्तर वैदिक काल में अच्छी तरह से स्थापित नहीं था। धीरे धीरे ऐसा होने लग जाएगा, भले ही ऐसा देखा जाता हो कि हाँ कुछ पुजारी मांग लिया करते थे भूमि का हिस्सा दक्षिणा के रूप में, पर ये पूरी तरह से स्थापित नहीं था। ऐसा कोई हम नहीं कह सकते कि ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो प्रीस्ट आते थे उनको दक्षिणा के रूप में और टेरिटरी दी जाती थी, ऐसा नहीं था। ऐसा हम देखेंगे कि 6वीं 7वीं ईस्वी से ये चीज़ चालू हो जाएगी। 6वीं 7वीं ईस्वी से ये लोग ये चीज़ें और ज़्यादा प्रबल रूप से चालू हो जाएगी, खासकर हर्षवर्धन के पीरियड में। तो हम देखेंगे आगे हर्षवर्धन का टाइम आएगा, तो उस टाइम ज़्यादातर ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में जमीन ही दी जाती थी। वैदिक काल के अंत में है ना, वैदिक काल आप मान लो 500 BC तक चला और फिर वैदिक काल का अंत होने लग गया। तो वैदिक काल के अंत में पुरोहितों के वर्चस्व के खिलाफ, पंत और अनुष्ठानों के खिलाफ, विशेष रूप से पांचाल और विदेह की भूमि में, जहां लगभग 600 ईसा पूर्व उपनिषद संकलित किए गए थे, एक मजबूत प्रतिक्रिया शुरू हुई।
है ना। अब ये वैदिक, एक सेकंड रुकिएगा, अब धीरे धीरे जब भी पुरोहितों का वर्चस्व बढ़ने लगा तो इनके खिलाफ, पुरोहितों के वर्चस्व के खिलाफ, इनके जो पंथ और अनुष्ठान थे इसके खिलाफ, विशेष रूप से दो जगह, एक तो पांचाल में और एक विधेय में, यहाँ पर मजबूत प्रतिक्रिया चालू हुई। और एक बात और बता दूं आपको कि इन्हीं दो जगहों पर उपनिषदों का संकलन हुआ। हम देखेंगे उपनिषद क्या चीज होती है। तो सबसे पहले तो वो चार वेद बने, और उसके बाद वैदिक पीरियड खत्म होते होते 600 ईस्वी पूर्व 600 BC में उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद क्या चीज है देख लो आप। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ थे जो अनुष्ठानों की आलोचना करते थे। उपनिषद्स वर फिलोसफिकल टेक्स्ट दैट क्रिटिसाइज द रिचुअल्स एंड लेड स्ट्रेस ऑन द वैल्यू ऑफ राइट बिलीफ एंड नॉलेज। उनका मानना था कि क्रियाकांड गलत है, बल्कि क्या होना चाहिए, राइट बिलीफ और नॉलेज होना चाहिए। तो उपनिषद फिलोसफिकल ग्रंथ थे जो अनुष्ठानों की आलोचना करते थे और सही विश्वास और ज्ञान के मूल्य पर जोर देते थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वयं या आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा के संबंध को ठीक से समझा जाना चाहिए। बृहदारण्यक के उपनिषद है ना, उपनिषद बहुत सारे हैं। एक UPSC में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, देखना आप सर्च करना। सत्यमेव जयते किसी उपनिषद में लिखा हुआ है ऐसा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्रारंभिक उपनिषदों में से एक था। हम उत्तर वैदिक काल में प्रादेशिक राज्यों की शुरुआत पाते हैं। युद्ध न केवल मवेशियों के कब्जे के लिए बल्कि क्षेत्र के लिए भी लड़े गए थे। आपने देखा कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें युद्ध क्यों लड़े जाते थे, गायों के लिए, है ना, गायों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। पर बाद के वैदिक पीरियड में सिर्फ मवेशियों के लिए ही युद्ध नहीं लड़े जाने लगे, बल्कि टेरिटरी जीतने के लिए, है ना, राज्य हासिल करने के लिए भी युद्ध लड़े जाने लगे। वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ टेरिटोरियल किंगडम्स। पहले के वैदिक काल में टेरिटोरियल किंगडम्स नहीं हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे, है ना, ये बात ध्यान रखना। बाद के वैदिक काल में टेरिटोरियल किंगडम्स होने लगे, एक राजा होने लगा, उसका राज्य होने लगा, और वॉर्स वर फॉट नॉट ओनली फॉर द पोजिशन ऑफ कैटल बट ऑल्सो फॉर दैट ऑफ टेरिटरी। तो इस तरह से आपका ये लेटर वैदिक पीरियड खत्म हुआ। आपने देखा कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए, एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी आने लगी, महिलाओं का स्तर नीचे गिरने लगा, चार वर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे, है ना, लोहे का उपयोग ज़्यादा होने लग गया, और किंगडम राज्य इम्पोर्टेंट होने लगा, प्रजा कम इम्पोर्टेंट होने लगी, राजा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगा। ये सब चीज़ें थी। कुछ डाउट हो तो 1 मिनट में आप फटाफट से पूछ लो, फिर हम पढ़ेंगे अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। महिलाओं के उपनयन संस्कार के बारे में NCERT में कुछ नहीं दिया हुआ, और NCERT के अलावा मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, आई एम सॉरी अबाउट दैट, पर मेरे मानना यह है कि शायद महिलाओं को उपनयन का अधिकार नहीं था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद ठीक है, चांडोग्य भी हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिखा गया था या चांडोग्य उपनिषद से लिया गया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, निकल जाती हैं चीजें दिमाग से। ठीक है, और कोई डाउट है, आगे बढ़ते हैं हम जैनिज्म और बुद्धिज्म की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं जैनिज्म। अभी भी भूमिदान होता है क्या? होता ही होगा, भूमि अभी भी जिनके पास है, वैसे तो अभी ऐसे राजा महाराजा या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जमींदारों का चलन कम हो गया, बट पहले
आज़ादी के पहले जो जमींदार हुआ करते थे वो तो भूमिदान किया ही करते थे प्रीस्ट को। ठीक है, मुंडकोपनिषद इज कन्फर्म फॉर सत्यमेव जयते। गुलाम मुर्तजा मुंडकोपनिषद इज कन्फर्म। ओके फाइन, चलिए हम पढ़ते हैं जैन धर्म, जैनिज्म की शुरुआत करते हैं। वर्धमान महावीर, जैनिज्म, जैन 24 तीर्थंकरों में विश्वास करते हैं। तीर्थंकर मतलब जैन धर्म के महान शिक्षक या धर्म के अधिनायक जिनको बोल सकते हैं। जैन बिलीव इन 24 तीर्थंकराज और ग्रेट टीचर्स और लीडर्स ऑफ देयर रिलीजन। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं और वर्धमान महावीर को 24वां तीर्थंकर कहा गया। महावीर जो थे वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर वॉज कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा। महावीर का जन्म देख लो आप, एकदम वैदिक पीरियड खत्म होने वाला है, क्योंकि वैदिक पीरियड खत्म ही इनकी वजह से हुआ। महावीर और बुद्ध की वजह से ही देखा जाए तो वैदिक पीरियड, आर्यों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा और लोगों का झुकाव जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा। इसी वजह से वैदिक पीरियड कम हो गया। तो वैदिक पीरियड के एंड में 540 BC में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में महावीर का जन्म हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक नामक एक प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। देखते जाना, इफेक्ट है। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञानत्रिक नामक एक प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश के मुखिया थे। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। थोड़ा सा ही देख लेना, महावीर की माता जो थी वो त्रिशला थी, और वो कौन थी? लिच्छवी। हम देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे ना महाजनपद, उसमें हम देखेंगे लिच्छवी। आपको मैंने बताया था जन जो है कबीलों को बोलते थे और जनपद जो है वो टेरिटरी को या राज्य को बोलते थे। तो पहले तो कबीले थे, पहले तो राज्य थे नहीं, तो पहले ऋग्वेद में सिर्फ किस शब्द का प्रयोग आया था? ऋग्वेद में सिर्फ जन शब्द का प्रयोग आया था। जनपद शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में नहीं हुआ, क्योंकि उस समय राज्य की प्रथा नहीं हुआ करती थी, उस समय किसी की किंगडम्स नहीं हुआ करते थे। पर धीरे धीरे जनपद हो गए, जनपद से महाजनपद हो गए, ठीक है। और उन्हीं जनपदों में एक लिच्छवी हम देखेंगे बाद में होगा। तो महावीर की जो माता थी उनका नाम त्रिशला था, और वो त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटकी की बहन थी। लिच्छवी जो है एक तरीके का जनपद था, देखेंगे हम बाद में। लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी और जिनकी बेटी का विवाह बिंबिसार से हुआ। ये पूरी कहानी मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो महावीर का जन्म 540 BC है ना, ध्यान रखना। टाइम पीरियड दिमाग में, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो टाइम दिमाग में चलते जाना चाहिए। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन 1900 BC तक, फिर 1900 BC से 500 BC तक हमारा वैदिक काल, और उसके बाद ही श्रवण परंपरा चालू हो रही है, जिसमें बुद्ध और महावीर का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सत्य की खोज में वर्धमान 30 वर्ष की आयु में संसार को त्याग दिया और वो तपस्वी बन गए। और फिर उसके बाद अगले 12 वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया, विभिन्न प्रकार की तपस्या की और कई कठिनाओं को सहन किया। फिर 13वें वर्ष में जब वे 42 वर्ष की आयु में पहुंचे तो उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य के माध्यम से उन्होंने दुख पर विजय प्राप्त की और सुख पाया। केवल एक तरह से कैवल्य का मतलब हो गया एनलाइटनमेंट। ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे बुद्ध को हुई थी बोध गया में पेड़ के नीचे, उसी तरह महावीर को भी 42 वर्ष की आयु में एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, और उन्होंने दुख पर विजय प्राप्त की, और इसी विजय के कारण उन्हें महावीर कहा जाता है, या महान नायक, या जिन कहा जाता है। जिन का मतलब होता है जिसने दुख पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो जिन। जिनका मतलब होता है विजेता। तो महावीर ने दुख पर विजय प्राप्त की, इसलिए उनको जिन के रूप में जाना गया, और उनके अनुयायियों को जैन के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC, कहाँ पर? एट पावापुरी नियर मॉडर्न राजगीर। अब हम देखते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैन धर्म के सिद्धांत। ये ना जैन धर्म या बुद्ध धर्म में से मिनिमम एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, हर साल किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म में से एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। और इतने सवाल पूछ लिए ना यूपीएससी ने जैनिज्म और बुद्धिज्म में से, कि अब तो वो इतने टेढ़े सवाल पूछता है। देखो, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता,
और एक ये जेनिज्म और बुद्धिज्म, इसमें से यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछ चुका है, इसलिए अब सीधे सीधे सवाल तो पूछता ही नहीं है। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर ये फैक्ट है। तो फिर भी हमें मेन मोटा सिद्धांत तो पता होना चाहिए जैन धर्म का क्या सिद्धांत है। जैन धर्म ने 5 सिद्धांत सिखाए, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, संपत्ति अर्जित मत करो और संयम ब्रह्मचर्य का पालन करो। जैन धर्म ने अहिंसा को अत्यधिक महत्व दिया। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, बाद में महावीर के बाद हुआ था। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर, श्वेतांबर से नाम से क्लियर रहा, श्वेत अंबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं, और दिगंबर जो खुद को नग्न रखते हैं। अब देखो, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी। हमने कहा था जैन धर्म में इंपॉर्टेंट कौन होता है, तीर्थंकर, ठीक है, यहां पे हमने देखा था, सब कुछ देखा था ना हमने। हाँ, जैन 24 तीर्थंकरों मतलब धर्म के अधिनायकों में विश्वास करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि देवताओं में नहीं मानते। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को भी मान्यता दी, पर उन्होंने देवताओं को जिन से नीचे रखा, तीर्थंकरों से नीचे रखा उन्होंने देवताओं को। देख लो, इसी फैक्ट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। ये एक जैन धर्म के बारे में अगर आपको कुछ समझना हो और क्वेश्चन में आइडिया लगाना हो कि क्वेश्चन में जो बात कही जा रही है वो जैन धर्म के बारे में है कि नहीं, तो ये चीज ढंग से पढ़ लो। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना था। जैन धर्म ऐसा मानता है कि आत्मा है, जैन धर्म मानता है कि आत्मा है, आत्मा शरीर में निवास करती है, और जब आत्मा शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाएगी तो फिर वो मुक्ति प्राप्त कर लेगी, और आत्मा का उद्देश्य यही है, मुक्ति को प्राप्त करना, ठीक है। तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है। ऐसी मुक्ति प्राप्त करने के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, यह सही ज्ञान, सही विश्वास और सही क्रिया के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। और इन्हीं 3 चीजों को, सही ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट रिचुअल, इन्हीं के माध्यम से आपको सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और इन्हीं 3 को त्रिरत्न माना जाता है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ एक बार। जैनिज्म मेनली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स। नो रिचुअल इज रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग सच लिबरेशन। नो रिचुअल इज रिक्वायर्ड फॉर एक्वायरिंग सच लिबरेशन। इट कैन बी ऑब्टेंड थ्रू राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन। दीज 3 आर कंसिडर्ड टू बी द 3 ज्वेल्स और त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म, ठीक है। ये है जैनिज्म का सार, और जैनिज्म इसीलिए सांसारिक बंधनों से मुक्ति की बात करता है, इसीलिए वो शरीर को तपाने की भी बात करता है, शरीर को कष्ट देने की भी जैन धर्म बात करता है। बुद्ध धर्म में शरीर को अत्यधिक कष्ट देना गलत माना गया। ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म एक मेजर डिफरेंस है जिनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। हम देखते हैं जैन धर्म का विस्तार कैसे कैसे कहां कहां हुआ। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, आपको पता है मौर्य वंश के प्रथम राजा थे, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जैन बन गए, उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और अपने जीवन का अंतिम वर्ष कर्नाटक में जैन तपस्वी के रूप में बिताया। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का दूसरा कारण महावीर की मृत्यु के 200 साल बाद मगध में हुआ महान अकाल बताया जाता है। महावीर जो थे बिहार साइड हुए थे, मगध में, है ना, वहां से ये नीचे साउथ तक कैसे फैला जैनिज्म, तो उसका एक कारण तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे, बाद में वो जैन हो गए थे और फिर उन्होंने जैन मुनि बन गए थे वो, और उन्होंने कर्नाटक में ही अपना ज्ञान ध्यान किया, तो वहां पर इस तरह से जैन धर्म को लेके गए। दूसरा कारण यह था कि जब महावीर की मृत्यु हुई थी उसके 200 साल के बाद, महावीर की मृत्यु कब हुई थी, 468 BC में, तो 468 BC के 200 साल के बाद, 468 BC में महावीर की मृत्यु हुई, इसके 200 साल बाद, मतलब आप समझ लो करीब 250 BC में, तो 250 BC के आसपास बहुत महान अकाल आया नॉर्थ इंडिया में, मगध में, और इस वजह से जो जैन मॉन्क थे वो साउथ की तरफ चले गए। तो
दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का दूसरा कारण महावीर की मृत्यु के 200 साल बाद मगध में हुआ महान अकाल बताया जाता है। अकाल 12 वर्षों तक चला था और अपनी रक्षा के लिए कई जैनियों ने दक्षिण की ओर भद्र बाहु के नेतृत्व में गमन कर दिया, लेकिन बाकी के बचे लोग स्थूलबद्ध के नेतृत्व में मगध में ही ठहर गए। कहते हैं इसी वजह से जो साउथ चले गए वो दिगंबर हो गए और जो नॉर्थ में रह गए वो श्वेतांबर हो गए। चौथी शताब्दी, और देखो आप, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, है 400 BC के आसपास की बात है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म उड़ीसा के कलिंग में फैल गया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इसे कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल। जैनिज्म स्प्रेड टू कलिंगा इन उड़ीसा इन द 4th सेंचुरी BC एंड इन द 1st सेंचुरी BC इट एंजॉयड द पेट्रोनेज ऑफ द कलिंगा किंग खारवेल। जब आप वहां जाओगे उड़ीसा में, अगर आप घूमोगे तो उड़ीसा में ये दो, उड़ीसा में दो गुफाएं हैं घूमने की जैनियों के लिए। वहां पे जैनियों की गुफाएं, उनको कहा जाता है, उनका नाम है खंडगिरी और उदयगिरी, है ना। ये आपके कल्चर का क्वेश्चन है, UPSC में पूछा भी गया है। खंडगिरी और उदयगिरी, दे आर जैन केव्स इन उड़ीसा। ओके, अब हम देख लेते हैं जैनिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। जैनिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडी वैदिक धर्म की बुराइयां को कम करने का पहला गंभीर प्रयास किया, है ना। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट जैन धर्म का कंट्रीब्यूशन रहा ही है। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडी हो चुका था वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में कर्म कांड की ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई थी, वैदिक धर्म में कर्म कांड की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए तो वैदिक धर्म में ही उपनिषद अलग से निकल गए, है ना। और उस कर्मकांडी वैदिक धर्म की बुराइयों को कम करने का पहला गंभीर प्रयास जैन धर्म ने किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए आम लोगों की प्राकृत भाषा को अपनाया। वैदिक धर्म जो था वो संस्कृत भाषा में था, वो आम लोगों की भाषा नहीं थी। जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। जैन धर्म के जो शुरुआती ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में थे। उनका धार्मिक साहित्य अर्ध मगधी में लिखा गया है ना, ये लैंग्वेजेस पे ध्यान देना। जैन धर्म ने, ये सब UPSC में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया, धार्मिक साहित्य अर्ध मगधी में लिखा गया। अर्ध मगधी जो है प्राकृत की ही एक टाइप है, प्राकृत भाषा की ही एक टाइप है अर्ध मगधी भाषा, है ना। प्राकृत भाषाओं में से कई क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ, और विशेषकर शोरसेन का, जिसमें से फिर बाद में मराठी भाषा का विकास हुआ, ठीक है। जैनों ने अपभ्रंश में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों की रचना की। अपभ्रंश ये भी एक प्राकृत भाषा का ही रूप मान लो आप। जैनों ने अपभ्रंश में सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों की रचना की और इसका पहला व्याकरण तैयार किया। द जेनाज कंपोज द अर्लीएस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन अपभ्रंश एंड प्रिपेयर्ड इट्स फर्स्ट ग्रामर। तो जैनों ने प्राकृत भाषा, मत भूलना आप, क्योंकि बुद्धों की भाषा प्राकृत नहीं होगी, बुद्धों की भी होगी प्राकृत ही, प्राकृत का दूसरा रूप पाली होगी। बुद्धों की भाषा, बुद्ध के अनुयायियों की भाषा पाली होगी, ये भी आम लोगों की ही भाषा थी। जैनियों की भाषा प्राकृत, और प्राकृत का ही एक रूप था अर्धमागधी, जिसमें उनके ग्रंथों की रचना हुई। अपभ्रंश का विकास किया जैनियों ने, अपभ्रंश, और इसका व्याकरण भी तैयार किया। तो ये जैनियों का कंट्रीब्यूशन था। देखें, प्रारंभ में बौद्धों की तरह जैन मूर्ति पूजक नहीं थे। इनिशियली लाइक द बुद्धिस्ट, जैनस वर नॉट द इमेज वर्शिपर्स। बाद में वे महावीर और 23 तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। प्राचीन काल में जैन कला, बौद्ध कला जितनी समृद्ध नहीं थी। देखो, शुरुआती एंशियंट पीरियड में आपको पता है महावीर और बुद्ध कॉन्टेम्परेरी थे, एक ही टाइम के थे, पर महावीर का जैन धर्म इतना समृद्ध नहीं हुआ जितना बुद्ध धर्म समृद्ध हुआ। कब? प्राचीन काल में। प्राचीन काल में जैन कला, बौद्ध कला जितनी समृद्ध नहीं थी, लेकिन जैन धर्म मध्ययुगीन काल में कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्राचीन काल में जैनियों से ज्यादा बौद्ध धर्म विकसित हुआ। फिर मध्य काल आते टाइम, मिडाइवल इंडिया की बात करें, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें,
तो बीच की जो हिस्ट्री है ना, एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो बुद्ध सबसे, बौद्ध जो है सबसे महत्वपूर्ण धर्म हुआ करता था कंपेयर टू जैन। फिर धीरे धीरे बुद्ध जो है खत्म ही हो गए एज सच इंडिया से। और फिर आप देखोगे कि 1000 ईस्वी आते आते है ना, 1000 AD आते आते और बुद्ध लगभग खत्म हो गए, और फिर जैनियों का प्रभाव ज्यादा होने लगा। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, प्राचीन काल में जैन कला बौद्ध कला जितनी समृद्ध नहीं थी। जैना आर्ट इन एंशियंट टाइम्स इज नॉट एज रिच एज बुद्धिस्ट आर्ट, बट जैनिज्म कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मिडाइवल टाइम्स। ये देख लीजिए जैनियों के एक ग्रंथ का नाम उत्तराध्यायन सूत्र, जैनियों का एक प्राकृत ग्रंथ है ना। कुछ भी पूछ लेता है यूपीएससी उठा करके। इस साल ही पता नहीं कोई सा अजीब सा क्वेश्चन पूछा था जैनिज्म और बुद्धिज्म में। तो उत्तराध्यायन सूत्र जैनियों का एक प्राकृत ग्रंथ है, पूछ ले तो याद रखना। ये तो हो गया जैन। अब देखते हैं हम गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध, उनका घर का नाम पहले सिद्धार्थ था, वो महावीर के कॉन्टेम्परेरी थे। उनका जन्म कपिलवस्तु के पास नेपाल में लुम्बिनी में एक शाक्य क्षत्रिय परिवार में 563 BC में हुआ था। 563 BC में जन्म हुआ था इनका, महावीर से 23 साल पहले। महावीर का 540 BC में हुआ था, इनका 563 BC में हुआ था। तो महावीर से 23 साल पहले बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था ये कपिल वस्तु में, अभी आपको मैप में बताऊंगा कहाँ है। कपिल वस्तु के पास नेपाल में लुम्बिनी नाम की जगह है, वहां पे एक शाक्य क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि गौतम के पिता कपिल वस्तु के निर्वाचित शासक थे। कपिल वस्तु में उस समय राजा ना होकर के बल्कि इलेक्शन से और रूलर बना करते थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, ऐसा प्रतीत होता है कि गौतम के पिता कपिल वस्तु के निर्वाचित शासक थे। गौतम फादर सीम्स टू हैव बीन द इलेक्टेड रूलर ऑफ कपिल वस्तु एंड हेडेड द रिपब्लिकन क्लेम, है ना। गणतंत्र हुआ करता था कपिल वस्तु में, ऐसा माना जाता है कि कपिल वस्तु में गणतंत्र हुआ करता था, रिपब्लिक हुआ करती थी, और वहां पे उनके पिता को इलेक्ट करके शासक बनाया गया था। उनकी माता के गणतांत्रिक वंश का नेतृत्व कोशलन वंश की एक राजकुमारी थी। उनकी माता कोशल वंश की राजकुमारी थी। ये क्या लिखा हुआ है, कुछ तो गलत लिख दिया हिंदी में, इंग्लिश में देख लो आप। गौतमास फादर सीम्स टू हैव बीन द इलेक्टेड रूलर ऑफ कपिल वस्तु एंड हेडेड द रिपब्लिकन क्लैन। हिज मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोसला डायनेस्टी। बुद्ध की माता कौन सी डायनेस्टी की थी, कोसला डायनेस्टी की। अच्छा बताओ, महावीर की जो माता थी वो किस कबीले से आई थी, या कौन सी आप कह लो कि कहाँ से किसकी बहन थी और किन शासक की वो बेटी थी, किस वंश की थी, फटाफट से लिख के बताओ। महावीर की, जैसे बुद्ध की माता कौशल वंश की राजकुमारी थी, उसी तरह महावीर की माता किस वंश की राजकुमारी थी। हेरिडिटरी सिस्टम बहुत पहले से चालू हो चुका है। हम देख चुके हैं कि पूर्व के वैदिक काल में ही कबीले के सरदार का बेटा ही फिर अगला कबीले का सरदार बनता था। सर, जेनाज वर आइडल वर्शिपर्स। यस, जेनाज शुरू में आइडल वर्शिपर्स नहीं थे, फिर धीरे धीरे बाद में वो आइडल वर्शिपर्स हो गए। रोज टोपो का सही आंसर है लिच्छवी। यस, लिच्छवी सम्राट चेटक की बहन थी त्रिशला, वो थी महावीर की माताजी। और चेटक की जो बेटी थी चेलना, उनकी शादी हुई थी मगध के राजा बिंबिसार से, है ना। ये एक रिश्तेदारी बनेगी आगे जाकर के, बताएंगे अपन। बुद्ध की माता कौशल वंश से आई थी, ये देखेंगे हम। 16 महाजनपद देखने हैं हमें ना बाद में। बुद्ध एक बार ही बुद्ध और जैन धर्म खत्म कर लें दो, उसके बाद अपन देखेंगे 16 महाजनपद। उसमें आएंगे ये सब, मगध, कौशल, है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, लिच्छवी, ये सब हम उसमें देखेंगे। अभी डोंट वरी,
तो महावीर को 30 साल की उम्र में महावीर ने घर छोड़ा था, बुद्ध ने 29 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में महावीर की तरह उन्होंने घर छोड़ दिया। वे लगभग 7 वर्ष तक भटकते रहे, महावीर 12 वर्ष तक भटकते रहे, और फिर 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। महावीर ने 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया, और इस ज्ञान प्राप्त करने के बाद से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में और महावीर का 72 वर्ष की आयु में हुआ था। गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में 583 BC में, है ना, सॉरी 483 BC में, माई मिस्टेक, 483 BC में, महावीर का 463 BC में हुआ था, 468 BC में, थोड़ा सा तो देख लो आप, एकदम सेम टाइम के हैं बुद्ध और महावीर। 468 BC में महावीर का हुआ था, 483 BC में कुशीनगर नामक स्थान पर और बुद्ध का निधन हो गया। बुद्ध के डॉक्ट्राइन्स देख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म के सिद्धांत, बुद्ध ने कहा कि दुनिया दुखों से भरी है और लोग इच्छाओं के कारण पीड़ित हैं। बुद्ध सेड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज एंड पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिजायर्स। इफ डिजायर्स आर कॉन्कर्ड, निर्वाण विल बी अटेंड। कामनाओं पर अगर विजय प्राप्त कर ली जाए तो निर्वाण की प्राप्ति होगी, अर्थात मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ देख लो आप। सफरिंग इज द एसेंस ऑफ वर्ल्ड, दुख ही संसार का सार है, है ना। बुद्ध के 4 नोबल ट्रूथ हैं ये। बुद्ध ने 4 इंपॉर्टेंट बातें कही थी। दुख संसार का सार है, कहने का मतलब संसार में दुख ही दुख है। एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, और उस दुख का, हर एक दुख का एक कारण होता है। इस ट्रुथ को उन्होंने नाम दिया समुद्य। सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, पर जो दुख है उसका नाश हो सकता है। इस ट्रुथ को उन्होंने कहा निरोध। और नाश कैसे होगा? इट कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द अठंगा मार्ग, 8-फोल्ड पाथ। इसे अठंगा मग्गा का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। तो बुद्ध की ये 4 बातें थी, 4 महान सत्य बुद्ध ने बताए। बुद्ध ने 4 सत्य बताए। संसार में दुख है, ठीक है, और दुख है तो दुख का कोई कारण भी है, और वो कारण थी इच्छा, कामना, ठीक है। अब दुख है तो दुख का नाश हो सकता है, ये 3रा ट्रुथ। और वो नाश होगा कैसे? होगा अठंगा मार्ग का पालन करके, 8 फोल्ड पाथ बताएंगे बुद्ध। आगे देखेंगे हम अगली स्लाइड में। बुद्ध एक 8-फोल्ड पाथ बताएंगे, मतलब 8 बातें बताएंगे उससे, और दुख का नाश उसको पालन करने से, और आपका दुख खत्म हो सकता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, है ना। सम्यक दृष्टि मतलब राइट व्यू, आपका, आपकी दृष्टि जो है निर्मल होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व, सम्यक वचन, राइट स्पीच, सम्यक आचरण, राइट कंडक्ट, सम्यक जीविका, राइट लाइवलीहुड, सम्यक प्रयत्न, राइट एफर्ट, सम्यक मनन, राइट माइंडफुलनेस, और सम्यक समाधि, राइट समाधि। ये आपको याद नहीं करने, बस पढ़ने के लिए हैं, रीडिंग लगा लिया करो बस इनकी। गौतम ने सिखाया कि व्यक्ति को विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता से बचना चाहिए। देखो ये थोड़ा डिफरेंस है जैनिज्म और बुद्धिज्म में। व्यक्ति को विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता से बचना चाहिए। गौतम टॉट दैट अ पर्सन शुड अवॉइड द एक्सेस ऑफ बोथ लग्जरी एंड ऑस्टेरिटी। बहुत ज़्यादा विलासिता भी नहीं, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ भी नहीं, और बहुत ज़्यादा तपस्या भी नहीं, है ना। बहुत ज़्यादा शरीर को कष्ट देना ये भी नहीं, बुद्धा ने नहीं बताया, महावीर ने बताया। पर महावीर ने कहा कि शरीर को जितना तपाओगे उतना आत्मा में निखार आएगा, ठीक है। तो गौतम ने सिखाया कि व्यक्ति को विलासिता और तपस्या दोनों की अधिकता से बचना चाहिए। उन्होंने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। मध्यम मार्ग, न ज़्यादा विलासिता न ज़्यादा तपस्या, मिडल पाथ, ठीक है। बुद्ध ने अपने अपने अनुयायियों के लिए एक आचार संहिता भी निर्धारित की। बुद्ध ऑल्सो लेट डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर हिज फॉलोवर्स। और कोड ऑफ कंडक्ट, उसके अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया, भी किस तरह से जीवन जीना चाहिए, इस तरीके की बातें उन्होंने बताई। एंड द मेन आइटम इन दिस सोशल कंडक्ट आर, मेन चीजें क्या थी बुद्ध के कोड ऑफ कंडक्ट में? कि दूसरों की संपत्ति का लालच ना करें, हिंसा ना करें,
नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, झूठ ना बोलें, भ्रष्ट आचरण में लिप्त ना हों। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछी जाने वाली है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है, ध्यान रखना। बौद्ध धर्म ईश्वर में नहीं मानता। क्या जैन धर्म देवताओं में मानता है? जैन धर्म देवताओं में मानता है, पर उनको तीर्थंकरों से नीचे रखता है। बुद्ध धर्म ईश्वर में, देवताओं में कहने मानता ही नहीं है, और आत्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानता। बुद्ध धर्म नहीं मानता कि कोई आत्मा टाइप की चीज है। जैन धर्म मानता है कि यहाँ आत्मा होती है, और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में घूमे जा रही है और उसी को मुक्ति दिलानी है। ये कौन मानता है? जैन धर्म। बुद्ध धर्म ऐसा नहीं मानता। बुद्ध धर्म आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता। गौतम बुद्ध ने संघ या धार्मिक व्यवस्था का भी आयोजन किया। बुद्ध बुद्ध ने संघ बनाया, है ना? संघ मतलब जहाँ जहाँ बुद्ध के अनुयायी साथ रहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने संघ या धार्मिक व्यवस्था का भी आयोजन किया, जिसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे, चाहे वे किसी भी जाति और लिंग के हों। गौतम बुद्ध ऑल्सो ऑर्गेनाइज द संघ और द रिलीजियस ऑर्डर हुज डोर्स वर केप्ट ओपन टू एवरीबडी इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड सेक्स। विमेन ऑल्सो वर एडमिटेड टू द संघ एंड दस ब्रॉट ऑन पार विद मैन। महिलाओं को भी संघ में भर्ती कराया गया और इस तरह उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा दिया गया। बुद्ध की पालक माता, जिन्होंने बुद्ध को पाला था, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। उन्होंने भिक्खुनी के रूप में नियुक्त होने वाली वो पहली महिला थी। बौद्ध धर्म में तीन मुख्य तत्व हैं, ध्यान रखना, बुद्ध, संघ और धम्म। एक तो बुद्ध खुद, एक उनका संघ और एक उनका धर्म, धम्म जिसको बोलते हैं। तो बुद्ध, संघ और धम्म, दे आर द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिज्म। अब देखते हैं कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ। देखें हम मगध के लोगों, मगध में आपको बता दूं, अभी का बिहार मान लो आप, मगध के लोगों जिन्हें रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा नीचा देखा जाता था, ने बौद्ध धर्म के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखो मैंने आपको बताया ना कि आर्य जो थे वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक थे, है ना, NBPW तक, वहाँ तक आर्य थे। और उन्होंने ईस्ट में रहने वाले जो मगध के लोग थे ना, उनको मलेच्छ कहा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाहर से जो लोग आते थे उनको ये मलेच्छ कह देते थे, ब्राह्मण या क्या बोलते हैं, आर्यन जो थे वो बाहर से आने वाले लोगों को ब्राह्मण क्या कहते थे, म्लेच्छ कहते थे। तो मगध के लोगों को उन्होंने म्लेच्छ कहा। तो मगध के लोगों को